भोपाल के अशोका गार्डन में 22 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे अवैध रूप से बेचा जा रहा था। करोड़ों रुपए की इस सरकारी जमीन पर वर्ष 2014 के बाद बने 22 मकान, दुकान और शेड गोदामों को तोड़ने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने पत्थरबाजों पर लाठियां भाजी, तब जाकर भीड़ पर काबू पाया जा सका। पथराव से 2 जेसीबी के कांच भी फूट गए। अशोका गार्डन में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गए प्रशासनिक अमले पर अतिक्रमणकारियों ने हमला बोल दिया। पटवारी नीरज विश्वकर्मा की शिकायत पर अशोका गार्डन थाने में एक महिला सहित 6 अन्य पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कर दिया गया है। आरोपियों में मोहम्मद सलीम, शायराबी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद नईब, मोहम्मद गुलफाम और मोहम्मद मतीन का नाम शामिल है। सिमरा कला की 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22.7 एकड़ सरकारी जमीन पर 2014 के बाद बने 22 मकान, दुकान और गोदामों को तोड़ने के लिए SDM गोविंदपुरा मनोज कुमार वर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार और SDM दोनों ने मोर्चा संभाल लिया था। सभी अतिक्रमणकारियों से मकान व दुकान खाली करने का कहकर कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान कई बार अधिकारियों की अतिक्रमणकारियों से विवाद भी हुआ। कुछ लोग JCB के सामने लेट गए और पेट्रोल मांग कर आग लगा लेने की धमकी देते रहे। इस पर SDM ने उन्हें 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्री और कोर्ट का स्टे लाकर दिखाने का समय दिया और मकान को खाली करने को भी कहा। इस दौरान विश्वकर्मा हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह भीमरा ने सीधे तौर पर SDM व तहसीलदार को धमकी दी कि कार्रवाई रोक दें, नहीं तो वे सभी को निलंबित करा देंगे। SDM मनोज वर्मा ने कहा, हमने 2014 और 2020 के बीच गूगल मैप से नक्शे निकाल कर मिलान करवाया। इसमें सामने आया कि 22 लोगों ने यहाँ इस दौरान मकान, दुकान और फैक्ट्री अवैध रूप से बनाए हैं। इसके चलते ये कार्रवाई की गई है। सभी 22 निर्माण तोड़े जाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।